स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। पिछली वीडियो में हमने किया था फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट। आज हम उसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अंदर हमारे दो स्ट्रक्चर बनेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का भी और कंटिन्यूअस का भी। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज कहां पर करते हैं? कोई भी ऐसा काम जो बीते हुए समय में शुरू हुआ और भविष्य तक चलता रहेगा, कोई भी ऐसा काम जो किसी पिछले समय में शुरू हुआ और आगे इन फ्यूचर भविष्य में चलता रहेगा, वहां हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब है स्ट्रक्चर इन एफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है? सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, विल और शैल। विल और शैल किस अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं? पर्सन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन शैल, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं। परफेक्ट फर्स्ट फॉर्म के रूप में हमने लगाया है। अब कंटिन्यूस में हम लगाते हैं फोर्थ फॉर्म और परफेक्ट में लगाते हैं हम थर्ड फॉर्म। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर क्या ले लेते हैं? बी वॉज बीन, बीन में से थर्ड फॉर्म बीन यहां पर लगाते थे परफेक्ट की थर्ड फॉर्म के रूप में, और कंटिन्यूस के लिए हमने कौन सी फॉर्म लगाई? फोर्थ फॉर्म। और ऑब्जेक्ट जिस काम को आप कर रहे हैं। अब हमने कहा कि टाइम गिवन होगा हमें, कि हमने कोई भी काम पास्ट के किस समय में स्टार्ट किया था, तो उसके लिए हमारे पास टाइम होगा। और टाइम के लिए हम कौन से कीवर्ड यूज करते हैं? बाकी सभी सेंटेंसेस में तो हम मोस्टली सिंस और फॉर का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम सिंस, फ्रॉम, फॉर तीनों का यूज करते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंस और फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम में यूज हो जाते हैं। जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम लेते हैं, कोई एग्जैक्ट टाइम लेते हैं जिस टाइम को आप काउंट कर सकते हो, तो उसमें हम सिंस और फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ टाइम, समय की लंबाई, कि कब आपने कितने समय में ये काम किया, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? फॉर। अब हमारे एग्जांपल्स देखिए। इट विल हैव बीन रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। इट क्या है? थर्ड पर्सन के लिए यूज हुआ है, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हुआ है, तो हम क्या लगा रहे हैं उसके साथ? विल। हैव फर्स्ट फॉर्म के रूप में, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ रेनिंग, फोर्थ फॉर्म रेन फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगाया तो फोर्थ फॉर्म हो गई। और मॉर्निंग हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? फ्रॉम, जिससे हमें पता चलता है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। आई इज अ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। अब ये जो 2 घंटे हैं, 2 घंटे कंटिन्यूसली नहीं है, दिन के कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं। हमने ये नहीं बोला कि लास्ट 2 आवर्स हमें काम कर रहे होंगे, हम कह रहे हैं कि 2 आवर्स से हम पढ़ा रहे होंगे। तो 2 आवर्स इज नॉट एन एग्जैक्ट टाइम, सो हमने क्या यूज किया उसके लिए? फॉर यूज किया। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया एफर्मेटिव। स्ट्रक्चर इन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है? हम सब्जेक्ट, काम करने वाला पर्सन, उसके अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग हम विल और शैल का यूज करते हैं, और उसके लिए हम कीवर्ड क्या लगाते हैं? नॉट, फिर हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, बी परफेक्ट की थर्ड फॉर्म के रूप में, और फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस के रूप में। ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग, टाइम टाइम के लिए सिंस, फ्रॉम और फॉर। जैसे हमारा ये सेंटेंस है,
It will not have been raining from morning. कि सुबह से बरसात नहीं हो रही होगी. हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, हम एक एग्जैक्ट टाइम को लेकर चल रहे हैं और वहां पर हम कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं, फ्रॉम, कि सुबह से बरसात नहीं हो रही होगी. नेक्स्ट आ जाइए, स्ट्रक्चर इन इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक वाक्य में हम विल और शैल को फ्रंट में कर देते हैं, सेंटेंस के आगे कर देते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग सिंस, फ्रॉम और फॉर. विल इट हैव बीन रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, क्या सुबह से बरसात हो रही होगी. हम क्या कहना चाहते हैं इसमें, हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एज ए क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि क्या सुबह से बरसात हो रही होगी. तो साइन ऑफ इंटरोगेशन. अब हम रिपीट कर रहे हैं इसको, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को. कोई भी ऐसा काम जो बीते हुए समय में शुरू हुआ और भविष्य तक चलता रहेगा. स्ट्रक्चर इन एफर्मेटिव सेंटेंस. स्ट्रक्चर इन एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल शैल हैव बीन, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम के लिए सिंस, फ्रॉम, फॉर. स्ट्रक्चर इन नेगेटिव सेंटेंस, हमने स्ट्रक्चर वैसा ही रखना है, सिर्फ नेगेटिव कीवर्ड लेना है, नॉट. उसके बाद इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में हम लेकर चले तो विल शैल को आगे कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम हैव बीन, फोर्थ फॉर्म और टाइम के लिए सिंस, फ्रॉम और फॉर का यूज करते हैं. फिर हमने इसी एग्जांपल को इंटरोगेटिव में किया तो क्लियर हो गया कि हमें इस स्ट्रक्चर में कैसे एग्जांपल को पुट करना है. और मेनली आपको सिंस, फ्रॉम और फॉर का ध्यान रखना है कि टाइम एग्जैक्ट है तो सिंस फ्रॉम और टाइम की लेंथ बताई जा रही है तो हम फॉर का यूज करते हैं. ये था हमारा फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसके साथ हमारे टेंस का वीडियो खत्म होता है. लेकर आएंगे नया कोई टॉपिक, देखते रहिए.